मेरा नाम विवेक गुलाटी है। गुलाटी जी, आपने शुरुआत कैसे की थी? शुरुआत ये सोच के कभी नहीं करी थी। ये मैं अपने कैफे में एक आर्टिस्ट को बुलाया था कि अभी एक लाइव शो करना चालू करते हैं। वो करते 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 लोगों ने इतने अप्रिशिएट किया कला का, मुझे लगा कि गले गली में कलाकार है, तो लोगों के पास हमारे पास माइक कम पड़ जाते हैं, आर्टिस्ट ज़्यादा हो जाते थे, तो कलाकार धीरे धीरे करते करते हमारे 50 लोगों का ग्रुप हो गया। तो आज इसमें कई कोई आरजे भी हैं, मैम काफ़ी कोई जॉब करता है, कोई अपने घर में पार्ट टाइम करता था तो निकल नहीं पाता था। आज के टाइम में वो वहाँ से जॉब छोड़ के फुल टाइम यही परफॉर्मेंस करते हैं। तो आप कैफे चलाते हैं? जी मेरे, हाँ जी, मेरे केक डिज़ाइन के नाम से मेरा कैफेज है। तो सोचा कभी नहीं था, अभी रिसेंटली हम फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ पे लाइव करते थे और बाकी दिन रेस्ट दिन हम जैमिंग करते थे। एक दिन रैंडमली हमने थर्सडे को कुछ हमने भजन किया तो हमें लगा कि हमें ट्यूसडे को करना चाहिए। तो ट्यूसडे को हम लोग लास्ट ट्यूसडे हमने एक ऐसे रैंडमली किया और वो वीडियो वायरल भी हो गई, लोग पहचानने लगे। तो हमने सोचा हर ट्यूसडे को हम लोग आपका स्पिरिचुअल जैमिंग किया करेंगे। आगे की क्या प्लानिंग्स हैं? आगे की प्लानिंग ये, मुझको इससे भी पहले मेरी प्लानिंग थी 6 महीने पहले से कि मुझे रामेश्वरम जाना था। तो रामेश्वरम था कि हम आर्टिस्ट चौक को गली गली में पहुंचाएंगे, मतलब कि हमने सोचा था कि हमें पहले यहाँ से झांसी और एक जगह से नागपुर और जगह जगह जाके हम वहाँ पे पहुंचाएंगे और रामेश्वरम तक जाएंगे, हर गली में जाएंगे, जिस जगह लेके जाएंगे आर्टिस्ट को प्रमोट करेंगे, हमारा मकसद ये था। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझको हम लोग पहले हम अयोध्या जाएंगे, अयोध्या से हम रामेश्वर जाएंगे। पहले हम सिर्फ 4 लोग जाने की सोच रहे थे, अब मुझे लगा टेम्पो ट्रेवलर लेके जानी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मेरे साथ आर्टिस्ट बहुत जुड़ गए हैं। पहले तो सिर्फ मैं अकेला था, मेरे साथ 2 हुए 3 हुए, पहले मैं और मेरी वाइफ सुना करते थे बैठ के। अब यहाँ लोग इतने हो गए, लोग इतने हेक्टिक परेशान होते हैं अपनी ज़िंदगी से, 1 घंटा 2 घंटे मैक्सिमम जितने अब लोग हो गए ना, जॉब वाले लोग हैं, अब आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पे कहता भी हमारे जॉब से आके इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, जॉब पे यहाँ पे इतना सुकून मिलता है, हमारा जाने का मन नहीं करता यहाँ से। कोई पेड नहीं है यहाँ पे, जितने सब अपनी मर्जी से आए हैं, अपने खुद खुशी से जुड़े हुए हैं, मतलब आर्टिस्ट को बेसिकली सब प्रमोट करने की कोशिश है, एक दूसरे का हाथ सांभ के बैठे हुए हैं, उन दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। इवन यहाँ पे ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कभी पहले उन्हें परफॉर्म भी नहीं किया था, उनके अंदर आर्ट था, लेकिन अब कई कैफे में जाके वो प्रमोट करने लगे। इवन मैं भी, मेरे पास भी शोज आते हैं तो मैं उनको प्रमोट करता हूँ, आप जाइए वहाँ जाके, आपके पास एक शो आया आप जाके करें। लोग रिलैक्स होने के लिए भी, रिलैक्स होने के भी आते हैं, मतलब बहुत पीस ऑफ माइंड उनको मिलता है और सुकून मिलता है, और अब तो और ज़्यादा सुकून मिलने लग गया जब से हमने स्पिरिचुअल जैमिंग किया है, तो वो सुकून और ज़्यादा मिल गया। मतलब हमने क्या सोचा था और क्या हो रहा है हमें खुद नहीं पता कि मतलब क्या राम जी हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं, हमें नहीं पता।